जॉन इब्राहिम है एक एक्सप्रेशनलेस एक्टर। जॉन इब्राहिम को एक्टिंग सीखने की है जरूरत। जॉन के साथ मैं कभी नहीं करूंगी काम। एक्ट्रेस करीना कपूर ने ईयर 2007 में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कुछ इसी तरह जॉन इब्राहिम की एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठाए थे और 2007 के उस दिन से अब तक जॉन और करीना एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। करीना के इस तरह के बयान से जॉन इब्राहिम काफी हर्ट हुए थे और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो कभी भी करीना के साथ ना तो कोई फिल्म करेंगे ना ही उनसे बात तक करेंगे। और करीना ने भी अपने वर्ड्स के मुताबिक ना तो कभी जॉन से बात की ना ही जॉन से पैचअप करने की कोशिश की। लेकिन रिसेंटली मुंबई के एक 5-स्टार होटल में इन दोनों स्टार्स के बीच लगभग 6 साल से चली आ रही कोल्ड वॉर को इन दोनों स्टार्स के एक फ्रेंड ने खत्म करवा दिया। जी हाँ, जॉन और करीना ने लगभग 6 साल बाद बात ही नहीं की बल्कि साथ में डिनर भी किया। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों स्टार्स ने किसके कहने पर अपने बीच 6 साल से चले आ रहे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। Well, तो वो और कोई नहीं बल्कि करीना के हस्बैंड और जॉन के अच्छे दोस्त सैफ अली खान हैं। दरअसल रिसेंटली करीना और सैफ मुंबई के 5-स्टार होटल में प्राइवेट डिनर के लिए गए थे जिसकी पिक्चर्स जूम के पास मौजूद है। इस डिनर डेट के लिए जब सैफ और करीना अपने टेबल पर पहुंचे तो सैफ ने स्पॉट किया कि उनकी बगल वाली टेबल पर जॉन इब्राहिम अपने फ्रेंड संजय गुप्ता के साथ डिनर कर रहे हैं। फिर क्या था, सैफ तुरंत अपनी टेबल से उठकर फिल्म रेस 2 के अपने को-स्टार जॉन इब्राहिम से मिलने पहुंच गए। फिर थोड़ी देर तक सैफ जॉन और संजय गुप्ता कुछ बातें करते रहे और थोड़ी ही देर बाद सैफ ने उसी टेबल पर करीना को भी बुलाया एंड टू जॉन सरप्राइज बेबो वहां खुशी खुशी आ गई। और यहां लगभग 6 साल बाद इन स्टार्स ने बात ही नहीं की बल्कि साथ डिनर भी किया। वेल, करीना ने जिस वक्त जॉन इब्राहिम का मजाक बनाया था उस वक्त वो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स में से नहीं थे, लेकिन आज जॉन ने बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली है। ऐसे में करीना को अब लग रहा होगा कि शायद उन्होंने जॉन के लिए जो बातें बोली थी वो पूरी तरह से गलत थी। वेल, अब इन दोनों स्टार्स की दोस्ती हो चुकी है तो क्या अब फ्यूचर में ये दोनों स्टार्स साथ में काम करते हुए भी नजर आएंगे? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई।